अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हम आर्मी म्यूज़ियम जा रहे हैं और देखेंगे वहाँ पे जाके आर्मी की हिस्ट्री। सुना है काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है, काफ़ी ब्लॉग भी देखे हैं। अंदर जो है वो वीडियो बनने की इजाज़त नहीं होती, मैंने उनकी वेबसाइट पे भी पढ़ा था और ब्लॉग भी देखे, तो जाके चेक करते हैं, इजाज़त ले लेंगे। अगर इजाज़त मिल गई तो वेल एंड गुड, वरना देखते हैं क्या करना है वहाँ पर, तो चलते हैं फिर। अच्छा, तो हम लोग पहुंच गए आर्मी म्यूज़ियम और अब जो है हम टिकट लेने जा रहे हैं, देखते हैं कि टिकट कितने की है। कि आज लगता है रात को बारिश हुई है, ठंड बड़ी है। ये पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। वहाँ पे हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं और टैंक खड़े हैं, वो जाके देखते हैं अंदर से कहाँ से जाना है। यहाँ पे लिखी हुई है टिकट 50 अडल्ट और 20 बाकियों के। ये अडल्ट्स की टिकट हमने ले ली है 50 की, तो देखते हैं एंट्रेंस कहाँ से। एंटर हो गए तो सेल्फी ले लेंगे ना। वो वहां से मेरे ख्याल से मेन चीज है। दो टैक पीछे दो, आ जाते हसन कम है। ये आर्मी म्यूजियम की एंट्रेंस है। अच्छा, मैं अब आर्मी म्यूजियम से वापस जा रहा हूँ। आप लोग कह रहे होंगे वापस क्यों जा रहा हूँ। अंदर जाते हुए ऐसे चेकिंग हो रही है जैसे कि कोई एम्बेसी नहीं है उसके अंदर जा रहे हैं। और जो ये चीज़ें हैं, ये कंघी और ये पेन, एक लड़का था उसको भी पेन लेकर जाने की इजाज़त नहीं, दोबारा गाड़ी में छोड़ के आए। अब हम भी ये कंघी, पेन, टॉफियाँ, इस तरह की कोई चीज़ जो भी थोड़ी सी भी सस्पिशियस लगे वो लाने की इजाज़त नहीं होगी। तो अब ये चीज़ें मैं वापस गाड़ी में छोड़ने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं दोबारा जाऊँगा। तो भाई आर्मी का एरिया तो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, अब मैं वापस छोड़ के आता हूँ। करीब ही एयरपोर्ट है तो जहाज़ बड़ी करीब से गुजरा है। वीडियो मैंने लेट शुरू की थी, तो यहाँ पे करीब गो कार्टिंग भी है जो मेरा लास्ट ब्लॉग था, मेरे ख्याल से उस साइड पे ही है गो कार्टिंग। तो आर्मी म्यूजियम भी उसके साथ ही है। अच्छा, ये टैंक जो है वो इंडिया से ऑक्यूपाई किए हुए हैं। यहाँ पे इसकी लिखी हुई है हिस्ट्री, तो अगर आपने पढ़नी है तो वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ये भी टैंक है जो कि इंडिया से ऑक्यूपाइड किया हुआ है। 3 दिसंबर को मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर मिला था 1971 को। उन्होंने दुश्मन का ये नहीं, तो ये इधर कैसे ले आया? कब्जा किया था ना। अच्छा, जंग हुई थी तो तब ये कब्जा किया था ना 71 में। इंडियन कैप्चर्ड है T-54 टैंक। T-54 इंडियन, सारे इंडियन कैप्चर्ड है। और ये जो है वो असद 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 बात सुनी, वो चेक कर, अंदर लग रहा है बंदा असल बैठा हुआ। अल्लाह माफ करे यार, वो भाई मुझे एक कुड़ यकीन मान मुझे है कि सीरियसली अंदर क्यों बैठे हो। हाँ वे वो अंदर बैठे हुए।
मटेरियल बहुत सॉलिड यूज हुआ है। ये किससे बनता है यार, कितना मजबूत लोहा है। और ये जो ये है सामने आ जा, मेरी फोटो खींच। ये क्या है यहाँ पे, ये क्या चीज है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या क्या चीजें। नाइन टू फोर है इसकी टाइमिंग। ये कैसा टैंक है भाई, यहाँ पे देखें आगे सीटें भी। लोहे के इसके टायर है, ऐसा नहीं क्या सरिया सरिया सा लगता बनाया हुआ। तो ये नहीं 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 क्या ये जोर लगा रहे थे आर्मी की तरह, जान तो नहीं चाहिए फिर। नहीं खोल रहा भाई, बच्चे ने उसने खोल लिया था, उसको पता होगा कैसे खुलता है। नहीं खोल रहा है, कैसे खोल लिया बच्चे ने, कैसे खुल गया मेरे से पता नहीं क्या है यार। यार ये खोल तो नहीं खुल रहा यार, यार ये खोलना आता है, पता नहीं कैसे खोलना है, क्यों क्या करना, अंदर देखना कुछ पड़ा तो नहीं हुआ, पता नहीं कैसे खोलता। ये तो ये कैसे खोल दे, खोलना कैसे खोले, ओ भाई सब बस बेटा बहुत बढ़िया। अंदर क्या है, वो मेरे से फिर नहीं खोल रहा, असद असद मेरे से फिर नहीं खोल, हाँ ऊपर से ऊपर। ये आया है डिफरेंट कलर का टैंक, वो आगे लाइनें लगी हुई है टैंक की। अंदर से बाहर आ गए हैं और बाहर जो है वो धूप निकल आई है, बड़ी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया।
और ये जो टैंक थे एंड वाले ये रह गए थे, तो ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये पीछे ओ एक तो कोट साथ संभालना पड़ रहा है यार इसके अंदर से। ओए होए हैं यार, ये मेरा कोट पकड़ी है। तो यहाँ पे जी ड्राइवर बैठता था, तो वहाँ कौन बैठते थे? वहाँ पे भी ड्राइवर बैठते थे, दो लोग, दो ड्राइवर की जगह थे वो। यार ये अभी तक ये मुझे लगता तब की है, है ना? वाओ उधर क्या टाइम क्या हो गया? वैसे 4 बजे बंद होता है, इसको खोलूं? यार एक तो मेरे से चीज़ें नहीं खुल रही, 2 दिन जिम नहीं किया, ट्रंक ही नहीं खुल रहे। वो तेरी खैर भाई, यहाँ से गिरा ना, नहीं खुलेगा भाई, बंद है। आ जा यहाँ से, यहाँ से आ जा उधर। वैसे ही वो, ये वैसे किसके लिए इस्तेमाल होता था पता क्या? कोई टैंक पंचर हो गया ना जंग के दौरान, तो ये पीछे से इसको बांधेंगे और चल सो चल। नीचे लकड़ियां भी रखी हुई हैं आग जलाने के लिए, ये देख वो तब की लकड़ियां। हाँ यार ये देखो ना, ये हिस्ट्री वाले आए हैं भाई। यार ये कब का है टैंक आपको पता? भाई हम तो खुद अभी हम तो खुद पता चला नहीं हुआ है। अच्छा मेरा एक टैंक उधर खड़ा हुआ है ना, वो दूसरे वाला वाइट नहीं है, वो मेरा टैंक था ना 94 में, वो मैंने चलाया था। मैं अभी चेक करने आया हूँ कि वो सही है, तो वो मैंने चेक किया, उसका ना टायर पंचर हो गया हुआ पिछला। यार वो आपका टैंक है? हाँ रियली? हम्म, चाबियां भी है मेरे पास, ये देखो ये चाबी। टैंक की चाबी है? हाँ गाड़ी की है यार, कल टेस्ट। नहीं नहीं लग जाती है अम्मा आ गई थी, वरना मैंने उसे कहना था आओ मैं ये चाबी लगा के चेक। बिस्ती करवा रहा है, असद 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 उस बासन, उसकी माँ उसकी मामा आके कहती, उसकी मामा आके कहती सुनो तो सही, शायद ये कोई सही बात। मैंने कहा इसका टायर पंचर हो गया पिछला, वो चेक कर रहे हैं। अच्छा तो दिस इज़ द एंड ऑफ आर्मी म्यूजियम व्लॉग, और इंडोर जो है वो हमें शूट करने की इजाज़त नहीं दी थी, सिर्फ पिक्चर्स ही दी थी, तो पिक्चर्स वगैरह खींच लिए, बाकी बाहर से जो है छोटा सा वो शॉट्स वगैरह वो ले लिए थे। तो बाकी काफ़ी अच्छा म्यूजियम है, मॉडल्स जो थे वो इतने अच्छे बने हुए थे कि बंदा गौर से देखता था वो भाई कहीं असल बंदा तो नहीं है, तो बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है सब कुछ, और साफ जगह बिल्कुल क्लीन मैनेज हुई भी है, आर्मी की मैनेज हुई भी होगी, तो मज़ा आया काफ़ी। तो ओके, तो बाय बाय, खुदा हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग में खुदा हाफिज़।